इंदौर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला आज शहर के मुक्तिधाम का दौरा करने के लिए निकल गए हैं। उन्होंने मुक्तिधाम पर पहुंचकर वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव की पीपीई किट सौंपी। इसी के साथ ही उन्होंने इन कर्मचारियों से बातचीत कर मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में इस संक्रमण से पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे विधायक संजय शुक्ला के द्वारा अब तक तो अस्पतालों का दौरा किया जा रहा था। दवाई की दुकान पर जाकर इन मरीजों को लगने वाली दवाई की उपलब्धता को देखा जा रहा था। इन मरीजों के इलाज की व्यवस्था में जहां जो कमी नजर आ रही थी उसी को लेकर शासन प्रशासन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से यह तथ्य प्रमुखता के साथ उभर कर सामने आ रहा है कि संक्रमण के दौर में बड़ी संख्या में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के शव मुक्तिधाम पर पहुंच रहे हैं। जब इतनी ज्यादा संख्या में शव पहुंच रहे हैं कि मुक्तिधाम की व्यवस्थाएं कमजोर साबित हो जाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधायक संजय शुक्ला आज सुबह अपने साथियों के साथ शहर के सभी मुक्तिधाम के दौरे पर निकल गए। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत बाणगंगा मुक्तिधाम से की। इस मुक्तिधाम पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो वहां के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका इस विषम दौर में भी अपने कार्य के प्रति सजग रहने के लिए सम्मान किया। शुक्ला के द्वारा इन कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाव की पीपी किट सौंपी गई। यह किट कर्मचारियों को भेंट के रूप में दी गई है। इसके पश्चात शुक्ला के द्वारा इन कर्मचारियों से मुक्तिधाम की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जब कांग्रेस विधायक ने मुक्तिधाम पर पहुंचकर वहां के कर्मचारियों का सम्मान किया और उनसे चर्चा की तो यह कर्मचारी भावुक हो गए। इस समय मुख्य भूमिका का निर्वहन कर रहे इन कर्मचारियों की शासन प्रशासन के द्वारा नहीं कोई खैर खबर नहीं ली जा रही है। इन कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता का भी अभाव है कि हमारे बाणगंगा मुक्तिधाम में अभी पचपुरिया मुक्तिधाम में है कि नगर निगम के द्वारा थोड़ी सी यहाँ व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि नगर निगम का एक आदमी इसी बोरिंग व्यवस्था संभाल रहा है, बाकी सब प्राइवेट लोग संभाल रहे हैं यहाँ की व्यवस्था। तो हाथ जोड़ निवेदन का है कि देखिए यहाँ बोरी भर भर के हमको देना पड़ रहा है यहाँ लोगों को, जब ये लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ आप सहयोग करें और जहाँ भी लकड़ी कम पड़े या कुछ भी कम पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ, किसी की कोई जरूरत नहीं हो। मैं नगर निगम को सहयोग करने को तैयार हूँ। आप मुझे खबर करें कहाँ लकड़ी भेजना है, जो भी व्यवस्था करना है, या आदमी टेम्परेरी रखे, मैं उसकी व्यवस्था करने को तैयार हूँ। परंतु ये लास्ट जगह है यहाँ पर, जो आत्मा की शांति के लिए यहाँ लोगों की व्यवस्था थोड़ी ठीक करवा दें। मैं आपको हाथ जोड़ने वाले भैया।